याद रखिएगा, सिल्वर पोएट में फर्स्ट पोएट आते हैं सर थॉमस व्यार्ड। सर थॉमस व्यार्ड जो हैं, इनकी एक पोएट्री का एक कलेक्शन या वर्क आता है, वास्तविकता में एक तरह से ये पैम्फलेट ही था, दैट वाज द टोटल्स मिसेलनी। वर्क का नाम है टोटल्स मिसेलनी। वर्क आता है 1557 में। एक जानकारी आपको बता दूं, जैसे कहते हैं कि द पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेड्स वाज द बिगनिंग ऑफ द रोमांटिक एज, इन द सेम वे द पब्लिकेशन ऑफ टोटल मिसेलनी वाज द बिगनिंग ऑफ द सिल्वर पोएट्री ऑफ द 16th सेंचुरी। जब टोटल मिसेलनी का टोटल्स का जो हुआ टोटल टोटल एक पब्लिशर है जो बुक उसने पब्लिश करता था, इट मीन्स ही वॉज रिचर्ड टोटल। उसका नाम क्या था? रिचर्ड टोटल नाम था। मिसेलनी का मतलब ही हो गया कि ये मिसलिनियस वर्क है, इसमें एक से अधिक राइटर के नाम दिए गए हैं। तो चूंकि ये रिचर्ड टोटल के द्वारा पब्लिश किया गया था और कई राइटर्स के वर्क का कम्बिनेशन था, इसीलिए इसको बोला गया था टोटल्स मिसेलनी। इसलिए कभी नाम मत सोचिएगा, टोटल्स मिसेलनी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रिचर्ड टोटल के द्वारा ये एडिटर था, इसने पब्लिश कराया था और कई राइटर्स का वर्क्स था, दैट वाज द कम्बिनेशन ऑफ वर्क्स ऑफ डिफरेंट राइटर्स, इसीलिए बोलते हैं टोटल्स मिसेलनी। 1557 में आया था। तो सिल्वर जो एज है, सिल्वर पोएट्री है, इसके बिगनिंग जो होती है, जो कमेंसान होता है, वो टोटल्स मिसेलनी से ही प्रारंभ होता है। प्रारंभ करते हैं सर थॉमस व्यार्ड के बारे में। थॉमस व्यार्ड जो थे, इनका जन्म जो हुआ था अर्ली 16th सेंचुरी में हो गया था, दैट वाज द ईयर ऑफ 1503। सिंस सर थॉमस व्यार्ड जो थे, ये रॉयल फैमिली के बहुत ही क्लोज थे, क्योंकि एक अच्छे परिवार में, एक सुखी या प्रॉस्परस समृद्ध एफ्लुएंट फैमिली में इनका जन्म होने के कारण राज दरबार में इनकी पहुंच जो थी, जो कोर्ट में थी, इनकी पहुंच बड़े ही अच्छी हो गई। एक दूसरी बात समझिएगा कि सिल्वर पोएट जो फाइव थे, ये फाइव के फाइव कोर्टियर थे, मतलब ये सभी राज दरबार से संबंध रखने वाले थे, राजा नहीं थे। राजा होते तो हो सकता है इसको बोल देते गोल्डन पीरियड ऑफ 16th सेंचुरी, ये राजा नहीं थे, राजा के दरबार में रहने वाले क्वीन एलिजाबेथ, हेनरी एट, क्वीन मेरी, इन सभी के दरबार में रहने वाले व्यक्ति थे ये सब, इसीलिए इनको भी एक तरह से रीजन कहते हैं कि सिल्वर पोएट कहते हैं। ये उनके दरबार में थे, कौन? पाँच के पाँचों लोग, एक ही साथ में नहीं थे, अलग अलग टाइम वर्क या टाइम फ्रेमवर्क में थे। तो 1503 में जब इनका जन्म हुआ था, कुछ समय के बाद, इनकी अर्ली एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद, किंग हेनरी एट जो थे, किंग हेनरी एट का टाइम कब है? 1509 से 1547, उस समय थे किंग हेनरी एट। और हेनरी एट के बारे में आप सभी लोग जानते हैं, जितने लोग शेक्सपियर के हिस्टोरिकल वर्क को पढ़े हैं, सभी लोग पता है किंग हेनरी एट का जो टाइम है या जो टेन्योर है, दैट इज 1509 टू 1547। इन केस ऑफ डाउट, अगर मैं कभी गलत से लिख दूं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। 1509 से 1547 में था। इनके जन्म कब हुआ था? 1503 में हुआ था। अब हेनरी एट के समय में ही ये थे, तो ही वॉज द कोर्टियर इन द कोर्ट ऑफ हेनरी एट, या ही वॉज अ कोर्टियर ऑफ हेनरी एट। कहाँ पर थे ये? हेनरी एट के दरबार में थे, कहने से मतलब ये है कि राज परिवार से संबंध रखते थे। और इवन दो बता दूँ मैं आपको, हेनरी एट के बहुत ही क्लोज हो गए थे। एक समय ऐसा भी आया था कि हेनरी एट के बहुत ही क्लोज हो गए थे और इनको डिप्लोमेटिक मिशन पे विदेशों में, फॉरेन में, एब्रॉड में भेजा गया, और कई बार भेजा गया। एक यादगार ट्रिप बनती इनकी 1527 की, जब ये गए थे इटली में। इटली में इनकी फर्स्ट ट्रिप हुई, सेकंड ट्रिप हुई, और जब ये इटली में गए तो चूंकि ये अपने कुछ पॉलिटिकल काम के लिए गए थे, डिप्लोमेसी के लिए गए हुए थे, तो उस समय ये
बहुत ही क्लोज हो गए थे पेट्टार के, क्योंकि पेट्टार के बहुत ही क्लोज का मतलब ये हो गया कि उन्होंने वो पेट्टार के संपर्क में आए, ही केम इन कॉन्टेक्ट टू पेट्रार्क। और पेट्रार्क उस समय इटली में एक बहुत ही फेमस सोनेटियर थे, लिरिसिस्ट थे, राइटर थे। तो जब ये इटली गए थे तो यहाँ पर इनको मिल गए पेट्रार्क महोदय। अब पेट्रार्क महोदय मिले, पेट्रार्क मीन्स फ्रांसिस्को पेट्रार्क, पेट्रार्क महोदय मिले तो पेट्रार्क महोदय की इन्होंने वर्क को देखा और इनके वर्क को देखकर बड़े इंप्रेस हो गए। व्यार्ड साहब इंप्रेस हो गए किससे? पेट्रार्क साहब से। और पेट्रार्क साहब ने जो लिखा हुआ था वर्क, वो वर्क था सोनेट। क्या था? सब कुछ सोनेट था। ये सोनेट क्या होता है? सोनेट जो होता है ये वर्ड से बना हुआ है, दैट इज सोनेटो। एक वर्ड है सोनेटो, सोनेटो का मतलब होता है अ साउंड, अ लिटल साउंड। ये होता क्या है? बेसिकली एक तरह से लिरिक होता है। सोनेट इज द फॉर्म ऑफ अ लिरिक कंसिस्टिंग ऑफ 14 लाइंस। तो वैट साहब क्या किए, ये पेट्रार्क से प्रभावित हो गए। और पेट्रार्क साहब से किस काम से प्रभावित हुए? पेट्रार्क साहब के वर्क, जो वर्क था लॉरा के लिए उन्होंने डेडिकेट किया हुआ था। अच्छा, उन्होंने जो सोनेट लिखा भाई, इम्प्रेस कहाँ हुए थे? उनके सोनेट से। तो सोनेट को उन्होंने क्या किया था, 14 लाइन्स का बनाया था, लेकिन उनके 14 लाइन को उन्होंने टू पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट का नाम दे दिया गया था ऑक्टेव और दूसरे वाले पार्ट का नाम दिया गया था सेस्टेट। तो ऑक्टेव प्लस सेस्टेट दोनों मिला के कितने हो गए? कंप्लीटली 14 लाइन्स हो गए। यही 14 लाइन्स जो होते हैं, ये ऑक्टेव के बाद एक पॉज मिलता है आपको, पॉज, या इसको हम लोग बोलते हैं सेसुरा। पॉज या सेसुरा आपको मिलता है। तो ऑक्टेव और सिस्टेव, ये 14 लाइन्स की पोयम थी। 14 लाइन्स की पोयम, दैट वाज द सोनेट, इट वाज अ फॉर्म ऑफ लिरिक। जब वैट साहब पेट्रार्क साहब के कांटेक्ट में आए, उनको लगा यार ये तो बड़े काम की चीज़ है, इस चीज़ को तो मैं इंग्लैंड भी ले जा सकता हूँ। तो पेट्रार्क साहब के वर्क को उन्होंने कॉपी कर लिया, होता नहीं कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, तो उनकी आइडिया को कॉपी कर लिया। और उनकी आइडिया जो थी, याद रखिएगा, पेट्रार्क साहब का जो वर्क आया हुआ था, पेट्रार्क साहब की जो पोयम्स आई हुई थी, इन्होंने एक लेडी थी जिसका नाम था लॉरा, LAURA, लॉरा। और उस समय लॉरा जो थी वो काउंट ह्यूग्स की वाइफ थी, काउंट ह्यूग्स, HUGUES। उस समय लॉरा जो थी वो काउंट ह्यूग्स की वाइफ थी। मेरी बात समझने का प्रयास कीजिएगा, पेट्रार्क ने जो सोनेट एड्रेस किया था, वो सोनेट अपनी विलेवेड को एड्रेस किया था, एंड हिज विलेवेड वाज लॉरा, बट सी वाज मैरिड टू काउंट ह्यूज। पहली चीज याद रखिएगा कि पेट्रार्क के मॉडल को इंट्रोड्यूस किया इन्होंने, पेट्रार्क के मॉडल को फॉलो किया। तो फॉलो कर रहे हैं, पहली चीज जो थी, उनके जो सोनेट थे वो किसी ना किसी महिला को डेडिकेट या एड्रेस किए गए थे, इन द मेमोरी ऑफ अ लेडी। दूसरी बात, वो लेडी मेनली जो होती थी वो मैरिड थी। तो व्यार्ड साहब भी जो अपने यहाँ लाए सोनेट, तो उन्होंने भी ऐसी ही लेडी को एड्रेस किया जिसको वो चाहते थे दिखाने का प्रयास। दे ट्राइड टू रिप्रेजेंट इट इन दियर सोनेट, इन दियर वर्क्स, कि लेडी जो है मैरिड है, लेकिन जब वो अनमैरिड थी तो मैं भी उसके प्रेम में था, या मैं भी उसे पसंद करता था, लेकिन अब वो उसकी नहीं है। इन चीज़ों को ध्यान रखने का प्रयास कीजिए। जिसको पेट्रार्क ने एड्रेस किया हुआ था अपने बेलवेड मान करके, वास्तविक रूप से अब वह उनकी नहीं है, किसी और के साथ में हो गया है विवाह। इसका मतलब जो लेडीज थी उस समय, जो लेडी थी हार्ड हार्टेड थी, याद रखिएगा, वह हार्ड हार्टेड थी, वो मैरिड थी। और ऐसे स्थान पे उन्होंने अपने सारों को, अपने ग्रीफ को, अपने इमेजिनेशन को रिप्रेजेंट करने का एक प्रयास किया था, क्योंकि यही थीम आपको आगे मिलेगी।
वैट्स आप ही मिलेंगे, अभी शेक्सपियर साहब तक भी आएंगे, चेंज हो जाएगा सरे के बाद में, तो भी आपको ऐसा ही मिलेगा। तो पेट्रार्क साहब ने क्या लाया था, पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर डाला। किस पे लिखा हुआ था, जिस पे लिखा हुआ था वो महिला विवाहित थी कभी वो, या उसके बारे में वह कुछ लिखने का प्रयास करते थे। हार्ड हेटेड थी, इनकॉन्स्टेंट थी, वो मैरिड थी। अच्छा, पेट्रार्क के सॉनेट को मैंने बताया आपको 8 लाइंस प्लस 6 लाइन दैट इज 14 लाइंस का होता था वर्क हैं। तो टॉमस व्याट जो थे उनके मेन कंट्रीब्यूशन, व्हाट वाज द मेन कंट्रीब्यूशन ऑफ सर टॉमस व्याट, ये जानने का प्रयास करते हैं। टॉमस व्याट किसके ऋण में थे, मेनली हेनरी VIII के, और यहीं पर ही वो डिप्लोमेटिक मिशन पे अब्रॉड जाने का प्रयास कर रहे थे। इन्हीं के साथ में हम इनका डिसाइपल बोल सकते हैं, ही फेलो बोल सकते हैं, ही वाज एडवर्ड हेनरी हॉवर्ड थे, एडवर्ड नहीं हेनरी हॉवर्ड थे, अर्ल ऑफ सरे थे। तो इनकी जो फोर मेजर कंट्रीब्यूशन है टू इंग्लिश लिटरेचर वह कौन कौन सी है, पहला चीज क्या है, इन्होंने दे इंट्रोड्यूस ओटावा राइवा इन इंग्लिश। याद रखिएगा डियर पैरेंट, सर टॉमस व्याट के जो फोर मेजर कंट्रीब्यूशन थे टू इंग्लिश लिटरेचर, फर्स्ट वन वाज ओटावा राइमा। उन्होंने ओटावा राइमा को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, इट कंसिस्ट ऑफ 8 लाइंस। सेकेंड थिंग, उन्होंने टर्जा राइमा को क्या यूज किया था, उन्होंने टर्जा राइमा को इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, द वेग ऑफ टर्जा राइमा। किसने इंट्रोड्यूस करने का प्रयास किया, सर टॉमस व्याट ने किया था। ट्रेजर राइमा जो होती है उसकी राइम स्कीम होती है ए बी ए बी सी बी डी सी डी सी डी सी डी, ये उनकी राइम स्कीम होती है। किसकी होती है, ट्रेजर राइमा की। ट्रेजर राइमा 3-3 लाइंस का होता है फोर सेट में, दैट इज 14 लाइंस। नेक्स्ट वन इज लिरिक, ये जब पेट्रार्क के संपर्क में आए थे तो वहाँ से कॉपी पेस्ट करके ले आए, क्या लाए थे, लिरिक लाए थे, और लिरिक में ही पार्ट होता है सोनेट। तो वेग ऑफ लिरिक वाज इंट्रोड्यूस इन इंग्लैंड बाय सर टॉमस व्याट। एंड फोर्थ नेम जो आपको पढ़ते हैं, ये लिरिक का ही एक पार्ट होता है, दैट वाज द सोनेट, इट वाज द पेट्रार्कन सोनेट इंट्रोड्यूस्ड बाय सर टॉमस व्याट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सर टॉमस व्याट ने पेट्रार्कन मॉडल ऑफ सोनेट को ही इंट्रोड्यूस किया हुआ था। अच्छा, एक और चीज़ याद रखते हैं, इनका जो एक वर्क आया था टॉटल्स मिसेलनी, टॉटल्स मिसेलनी रिचर्ड टॉटल के द्वारा एडिटेड एंड पब्लिश था, इट वाज द कलेक्शन ऑफ 3 मेजर राइटर्स। ये 3 मेजर राइटर्स का एक कलेक्शन था। अब वो कौन कौन से थे, फर्स्ट वन वाज सरे, अभी पढ़ना भी है, सरे के उसमें आए थे 40 पोएम्स, कितने आए थे 40 पोएम्स, सर टॉमस व्याट। इसमें सर टॉमस व्याट के आए थे 96 पोएम्स आई हुई थी। और एक दूसरा भी नाम आता है, दैट निकोलस ग्रिमाल्ड का, निकोलस ग्रिमाल्ड ने भी, दो मैं बात कर रहा हूँ केवल फर्स्ट एडिशन की, जब ये प्रिंट हुआ था उसके फर्स्ट एडिशन के बारे में केवल बात कर रहे हैं। ग्रिमाल्ड का इसमें आया था 40 पोएम्स, और अदर जो बच गए हैं, क्योंकि पोएम्स और भी आए थे, That was the remaining 95 poems. तो अर्ल ऑफ सरे हेनरी, सॉरी ये व्याट साहब, और ये अगला लास्ट ग्रिमाल्ड, इन तीनों का जो विशेष रूप से नाम आता है, इनकी वर्क्स कहाँ आए थे, टॉटल्स मिसेलनी में 1557 में आए हुए थे। लेकिन याद रखिएगा सर टॉमस व्याट की लाइफ इतनी अच्छी नहीं थी, इन पर एडल्ट्री का चार्ज लगा हुआ था। पास ऑफ 39, वो केवल 39 ईयर्स के थे, अभी बहुत ही कम एज था, और इस समय उनकी डेथ हो गई थी। मतलब उन पर ट्रायल चला हुआ था, मुकदमा चला हुआ था, इनकी वास्तविक लाइफ जो थी वो उतनी अच्छी नहीं थी।